ये देखिए निंजा स्टार। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो ये अपन ने दो पेपर लिए, दोनों पेपरों को पहले मैंने ए स्क्वायर से में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपके पास पहले से नहीं हो तो अब फर्स्ट पेपर को मैंने लेफ्ट साइड में फोल्ड किया और सेकंड पेपर को राइट साइड में फोल्ड किया। अब जो ये पेपर है इसको पूरा ऐसे फोल्ड कीजिए। फिर इस कॉर्नर को मिडल में टच कीजिए। इस वाले कॉर्नर को भी मिडल में टच कीजिए। और इस पेपर को फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कीजिए। ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट है। अब सेकंड पेपर को भी जैसा पहले के साथ किया वैसा ही इसके साथ कीजिए। इसे पहले तो ऐसे फोल्ड कीजिएगा। फिर इसे ओपन करके ऐसे मिडल में फोल्ड कीजिए। फिर इस वाले पोर्शन को भी मिडल में टच कीजिए। फिर इस पेपर को एक बार फिर से फोल्ड कीजिए। इन दोनों पेपरों को ऐसे फोल्ड कर लिया। अब इस वाले पेपर को लीजिए और इसको पूरा ऐसे फोल्ड कीजिए। और इस पेपर को फिर ये आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी ऐसे वाली, तो इसकी सहायता से एक बार ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। फिर इस पेपर को एक बार ऐसे फोल्ड कीजिए। ऐसे ही इस पेपर में भी आपको लाइन दिखाई दे रही है, तो इसे ऐसे पहले इस पेपर को ऐसे फोल्ड कीजिए ताकि आपको पेपर का मिडल पॉइंट पता चल जाए। फिर जो ये आपको ये लाइन दिखाई दे रही है इससे इसको ऐसे फोल्ड कीजिएगा। फिर इसे ऐसे फोल्ड कीजिए। अब ये दोनों पेपर आपने फोल्ड कर लिए ऐसे। फिर से इस पेपर को ऐसे फोल्ड कीजिए। और इस वाले पेपर को ऐसे फोल्ड कीजिए। ऐसे ही इस वाले पेपर को फोल्ड कीजिए। दोनों पेपर ऐसे जेड शेप में फोल्ड होनी चाहिए। फिर इस वाले पेपर को एक ऐसे फोल्ड कीजिए। इस वाले कॉर्नर को ऐसे, इस वाले कॉर्नर को ऐसे। ऐसे ही इस वाले कॉर्नर को इधर फोल्ड कीजिए। इस वाले कॉर्नर को इधर फोल्ड कीजिए। अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखिएगा। ये देखिए इधर से ऊपर से ऐसे दिख रहा है और पीछे से भी सेम ही दिखाई दे रहा है, तो
तो अब जो ये वाला कॉर्नर है तो इस कॉर्नर को तो इसके अंदर पास कीजिए, और जो ये वाला कॉर्नर है इस कॉर्नर को इसके अंदर पास कीजिए इधर। अब इसको पीछे की साइड से भी ऐसे ही, ये वाला कॉर्नर है इस वाले कॉर्नर को जो ये इधर है इसके अंदर पास कीजिए, और ऐसे ही ये एक और कॉर्नर बचा तो इस कॉर्नर को इधर पास कीजिए। ये देखिए आपका निंजा स्टार कंप्लीट है। और ये जो पहले वाला था वो ये रहा, देखिए दोनों आपस में कंप्लीट है। अब आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी यूज ले सकते हैं इनके लिए, जैसे मैंने वाइट और पिंक यूज़ में लिया, वैसे ही आप अलग अलग कलर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ में ले सकते हैं, और इन्हें घरों में डेकोरेशन के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि आपने इन दोनों को आपस में ऐसे किया टच, फिर अगर आपके पास और कोई भी हो तो आप उसे भी यूज में ले सकते हैं। कुछ भी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे मैंने इधर लगाया, या आप इधर लगाना चाहें इधर भी लगा के आप अलग अलग जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे वो बना सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।